परियों का तहलका देखने रेडी हो? तो वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज की वीडियो बहुत मजेदार है, तो चलो तो फिर देखते हैं। नंबर 20। बचपन में जब से मेरी पेंसिल एक परी ने चुराई थी, तब से आज तक इन परियों पे विश्वास नहीं रहता, परंतु इस वीडियो को देखने के बाद तो दुकानदारी से भी विश्वास उड़ गया। उतारो जल्दी, उतारो, दो मिनट लगा जल्दी उतारने में, उतारो, उतार जल्दी, उतार। ये क्या है? ये क्या कपड़े पहने हो तुमने? इतने सारे टी शर्ट यहाँ पे, क्या टी शर्ट पहनी हुई है? उतारिए, उतार टी शर्ट, दिखाइए उसको जरा, उतार, सारे उतार। कितने टी शर्ट है भाई? सारे उतार, सारे उतार, ये भी उतार, उतार जल्दी। मैडम आपने तो आधी सी दुकान लपेट ली थी। नंबर 19। दोस्तों स्कूटी और पापा की परी एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है जो बंदूक और गोली की जोड़ी से भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ ये दोनों परियां एक स्कूटी को सड़क पर रबर बैंड बना रही थी, उसके बाद जो हुआ ना भाई खतरनाक। ओ भाई एक्सीडेंट हो गया। भाई साहब गलती तो हमेशा सामने वाले लड़के की ही रहेगी, क्योंकि यही तो कला है, बाकी सब विज्ञान है। नंबर 18। एक बात है कि जितनी भी फिल्म इंडस्ट्री में परियां होती हैं, ये सारी की सारी कट्टर फेमिनिस्ट जरूर होती हैं। जरा सा आप किसी लड़की को बेवकूफ बोल दो फिर देखो। तो जब सोनाक्षी जी से केबीसी में पूछा गया कि हनुमान जी किसके लिए संजीवनी वटी लेने गए थे, तो मैडम का जो जवाब था ना, किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? ऑप्शन रखूं, ए सुग्रीव, बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। उरे दोनों कंफ्यूज्ड। बच्चन साहब भी सोचते होंगे कि भाई साहब ये कैसी लड़की है। नंबर 17। यहाँ पर एक परी जिम जाती है और ट्रेनर से कहती है कि भैया तोंद बहुत बड़ी हो गई है, प्लीज इसे कम करवा दो। अब बेचारा ट्रेनर क्या करे, बोलता है कि ठीक है मैडम, पहले वार्म अप करना सिखा देता हूँ, फिर जिम करवा दूंगा। परंतु बेचारा ट्रेनर तो आज भी सदमे में है। पदोड़ी कही की। तो आईपीएल देखो ही नहीं, बल्कि अपने ओपिनियंस देके काफी सारे प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे हु विल विन द मैच और हु विल विन द टॉस। ऐसे 50 से ज्यादा तरह के क्वेश्चंस हैं। क्रिकेट के अलावा भी 200 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिनमें अपना ओपिनियन बता के आप काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। lotus365 पे जाकर रजिस्टर करो और पाओ 365 का बोनस। और यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 घंटे का कस्टमर सपोर्ट। इधर खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बशीर ओटेला, सुनील शेट्टी जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत करो, कमेंट बॉक्स में जाओ और डायरेक्ट रजिस्टर करो lotus365.in पे। नंबर 16। आजकल के लौंडे बोलते हैं कि गर्लफ्रेंड शहर की बना लो, पर बीवी तो भैया गांव से ही लाना, बहुत संस्कारी होती हैं। परंतु इस पर हमारी दादी का तो कुछ और ही ख्याल है। आप पहले मुझे ये बताइए कि गांव की लड़कियां अच्छी लगती हैं आपको, शहर की लड़कियां अच्छी लगती हैं? शहर की अच्छी लगे बेटी, गांव की क्यों नहीं अच्छी लगती? गांव की तो ऐसी है, बाबरचोदी सी। क्या बोला इनने? गांव की तो ऐसी है, बाबरचोदी सी। क्या कहते हो, सही बोली या गलत? नंबर 15। मान लो दोस्तों आपके पास वाले जंगल में आग लग जाए, तो आप क्या करोगे? आप क्या ही करोगे, जो करेगी वो जंगल की आग ही करेगी। परंतु हमारी ये वाली मैडम ने तो इस समस्या का ऐसा शानदार सल्यूशन निकाला है कि ऑस्ट्रेलिया वाले तो इन्हें अवार्ड देने आ रहे हैं। म्यूजिक अरे बाप रे, मैडम दवाई के ढक्कन से बुझा लेती, इतने बड़े पतीले की क्या जरूरत थी। नंबर 14। दोस्तों ये लड़की चाहे ना तो आपको बिना हाथ लगाए अपनी हरकतों से ही जिंदा मौत दे सकती है। थोड़ा सा गुस्सा संभालना, हाँ प्ले कर रहा हूँ। सारा जमाना अमूल का दीवाना, जमाना कह आओ ले लो खीर बना लो। आ जाओ इसको चाइना में भेज दो, भाई साहब अकेली सबको सही कर देगी। खैर मैं तो अपने दोस्त का रिश्ता लेके जा रहा हूँ इसके पास। नंबर 13। चलो ठीक है, यहाँ ये लड़की बहुत खुश थी कि उसका जन्मदिन है, पर इस कमरे में एक शख्स और था जो लड़की से भी ज्यादा खुश था, डॉग भाई। नंबर 12।
बैंग बैंग का ये वाला सीन याद है? ये लो पानी पियो। भाई ये शानदार बॉडी पापा की परियों की कमजोरी रहती है, तो यहाँ इस रिपोर्टर को देखो, इससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय, इससे तो बहुत मजा आएगा। माता जी वो हंक है, उसका कंट्रोल डोल गया ना तो झेल भी ना पाओगी। नंबर 11। अच्छा अगर अभी आपके छत के ऊपर लगी पानी की टंकी फट जाए और समुंदर की तरह पानी सीलिंग से अंदर बहने लगे तो आप क्या करोगे? ऐसे में क्या करना होता है यहाँ ये ससुरी सिखाएगी। अरे मैडम आप लोग इतना बड़ा बर्तन क्यों ले आती हो, थोड़ा सा छोटा ले आती। नंबर 10। लड़कियों को रील्स बनाने का जो शौक होता है ना, उसी चक्कर में आधे से ज्यादा पापा की परी मोमेंट्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ इन मोहतरमा को देखो, ये पतली सी बर्फ में चलकर पता नहीं लोगों को क्या दिखा रही थी। अब ये कैप्शन में लिखेगी कि मैं इतनी हॉट हूँ कि खड़े होते ही बर्फ ही पिघल गई। नंबर 9। इन भैया जी को अपनी परी को प्रपोज करना था, परंतु परी का कहना था कि उसे तो भैया याच पे ही प्रपोज होने का है। अब हमारा भाई क्या करे, ले गया भाई बोट पे, परंतु अंगूठी निकालते वक्त थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट आ गया। लड़की का चक्कर बाबू भैया, कम से कम 1,00,000 का चूना लगा है लड़की के पीछे भाई को। नंबर 8। यहाँ पर ये औरत जिम का पैसा बचाने के लिए घर पर ही जिम कर रही है। मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना, बाहर चला जे। और ये मैडम यहाँ आर्म रेसलिंग कर रही थी, पर इसने तो सारी ताकत किसी और चीज में ही लगा दी। से चिल्ला रही है भाई। नंबर 7। अच्छा आप एक चीज पर जरूर ध्यान देना, ये जो पापा की परियां होती हैं, ये बिना किसी काम के अपने फोन को पॉकेट से बाहर निकाल लेती हैं और पता नहीं क्या करके वापस रख लेती हैं। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। मोबाइल सुधारने वाला सोचता होगा कि साला मोबाइल को डीप फ्राई कौन करता है। नंबर 6। इन परियों को इलास्टिक से पता नहीं कौन सा प्यार होता है। दीदी वो खेलने की चीज नहीं है। सुनो तो दीदी, अरे बात तो सुनो। मेरे तो लग गए बोल रहे थे। नंबर 5। एक तो दीदी लोगों को पता नहीं हर काम में स्नैप्स और वीडियोस बनाने का क्या शौक होता है। यहाँ ये दीदी न्यू फोन अनबॉक्स कर रही है। म्यूजिक लो जी बन गई वीडियो। नंबर 4। यहाँ ये दीदी इतने साफ पानी में नहा रही थी कि इनका मन हुआ कि वीडियो बना के सबको बताते हैं कि पानी कितना साफ है। पर जब वीडियो बनी तो समझ में आया कि ये जिस चीज को कंचा पानी समझकर पी रही थी वो तो बहता पानी थोड़ी ना गंदा होता है ना दीदी, बस इसलिए मैं वाटर पार्क नहीं जाता। नंबर 3। अच्छा ऐसा नहीं होता कि हमेशा सारी आफत दीदी लोगों के साथ ही होती है, कुछ तो हमारी दीदी लोगों की वजह से भी हो जाती है। My heart is like an open highway, like Frankie said I did it my way. मैडम ऐसा एटीट्यूड घर में काम आता होगा, बीच सड़क पे नहीं। बच गई आप। नंबर 2। अब यहाँ इन आंटी जी को देखो, ये बाल बच्चे वाली हो गई हैं, परंतु इनको हेलमेट कैसे पहनते हैं वो ही नहीं मालूम। हेलमेट तो उल्टा के पीछे। ऐसे देखकर चालान करने वाले पुलिस वालों ने तक 2 ग्राम सेल्फोस चाट लिया था।
नंबर एक, अगर भाई आप सड़क से कहीं भी जा रहे हो और आपको सामने से कोई दीदी कुछ ऐसे पैरों को नीचे करके स्कूटी से आते दिखे ना, तो तुरंत महिला हेल्पलाइन पे कॉल लगा देना, क्योंकि वो एक दो को निपटा के ही जाएगी। एकदम पीछे ले इसकी, शायद रोकने की कोशिश कर रही हूं, रुक नहीं रही है। देख सकते हैं गाइस आप, इन्होंने कार वाला सोचता होगा सुबह से किसका मुंह देखा है, बुरा ही बुरा हो रहा है। पर हमारे साथ बुरा ना हो इसलिए हमारी मेहनत को लाइक तो कर सकते हो ना दोस्त। और भैया हम मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।